हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आपका दोस्त। आज गुणा करने का एकदम झक्कास ट्रिक लेके आया हूँ। तीन अंक की संख्या होगी, उसको हम 11 से गुणा करेंगे तो आधे ही सेकेंड में गुणा कर लेंगे और देख कर ही आंसर आप बता देंगे। आइए देखते हैं। जैसे लिखा 222 को हमको 11 से गुणा करना है, 222 लिखा है, इसको हम 11 से गुणा करेंगे। ये कितना लिखा है? 2। इसको सबसे लास्ट में लिखना है। फिर इसको इसको 2 2 4 जोड़ देंगे, फिर 2 2 4, फिर लास्ट में कितना लिखा है? 2। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्या है, 334। 4 को हम एकदम लास्ट में लिख देंगे। 3 और 4 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। फिर 3, फिर 3 3 जोड़ेंगे, 6। फिर लास्ट में कितना लिखा है? 3। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो 445 लिखा है, फिर वही रूल होगा, 5 को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। फिर 4 और 4 4 जोड़ेंगे, 8। फिर लास्ट में कितना है? 4। 4 को लिख देंगे, ये इसका आंसर। 234 को हम 11 से गुणा करेंगे दोस्तों। तो देखिए वही रूल लागू है, 4 को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे और 4 3 को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। अब 3 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और लास्ट में कितना है? 2। इसको सबसे पहले लिख देंगे। आइए और देखते हैं। आइए दोस्त, अब चार अंकों संख्या को हम 11 से गुणा करेंगे। वही रूल होगा, बस थोड़ा संख्या एक बढ़ गई है। आइए देखते हैं। देख इसमें 4 अंक की संख्या हम 11 से गुणा करेंगे। 2 लिखा है, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। फिर लास्ट में कितना है? 2। इसको लिख दीजिए, यही इसका आंसर। आइए देखते हैं 2534 का गुणा करेंगे। लास्ट में कितना लिखा है? 4। 4 को 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। 5 को 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। 2 और 5 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 7। और लास्ट में कितना है? 2। लिख दीजिए, यही इसका आंसर। आइए देखते हैं 3422 से गुणा करेंगे 11 से। हम इसको आप देख रहे हैं गुणा का रूप, लेकिन इसको हम जोड़कर ही इसका गुणा कर देते हैं। देखिए 2 लिख लिए, लास्ट में 2 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देख 4 और 3 कितना होगा? 7 हो जाएगा। लास्ट में कितना है? 3 लिख देंगे। लास्ट में जितनी संख्या होगी उसको लिख देंगे, शुरू में जितनी संख्या होगी उसको लिख देंगे, और बीच में इन दोनों को जोड़ देना, आप गुणा हो जाएगा 11 से। ये ट्रिक सिर्फ 11 के रूल में काम करेगी। किसी भी संख्या को हम 11 से गुणा करना होगा तभी ये वाला रूल लागू होगा उसमें। देखिए यहाँ 4455 गुणा करेंगे 11 से। 5 यहाँ देखिए, 5 है लास्ट में, इसको लिख लेना। 5 5 कितना हो जाए? 10। 10 का 0 होता है, हासिल 1। और 4 और 5 कितना होगा? 9। 9 1 10, इसका भी 0। 4 4 8, 8 1 9। देखिए लास्ट में कितना है? 4 4 लिख देंगे। देखिए दोस्त 3226 लिखा है, इसको हम 11 से गुणा करेंगे, लेकिन हम यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसका गुणा हो जाता है। देखिए कितना लिखा है? 6। हमें 6 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब 6 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 2 2 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इधर 3 बचा है, 3 लिख देंगे। आइए अब देखते हैं 5 अंकों की संख्या को हम 11 से गुणा। आइए देखते हैं दोस्तों 5 अंकों की संख्या को हम 11 से गुणा करेंगे। वही रूल लागू होगा। देखिए लास्ट में इधर कितना है? 7। हम इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। फिर 7 को हम 2 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 2 9 हो जाएगा, 9 लिख देंगे। अब 8 को 8 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 का 0। अब 8 और 5 जोड़ेंगे, 13 और 1 हासिल 14। 4 हासिल है 1। अब 5 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। 7 1 8, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए इसको करते हैं दोस्तों, ये वाला 2 को हम यहाँ लिखेंगे, अब इसका आंसर होगा। आइए और देखते हैं। यहाँ देखिए
चार लिखा है, इसको सबसे लास्ट में हमको ले जाना है। अब हमको पांच और चार को जोड़ देना है, नौ, नौ लिख देंगे। अब हमको पांच और दो जोड़ देना है, कितना हो जाएगा सात, सात लिख दिए। अब हमको चार और दो जोड़ देना, कितना हो जाएगा छः, छः लिख दिए। अब हमको चार और तीन जोड़ देना, कितना हो जाएगा सात। अब लास्ट में कितना, इधर कितना बचा तीन, तो तीन हम लिख देंगे। इसका ये आंसर दोस्तों, आइए अब इसमें देखते हैं। पांच लिखा है, इसको सबसे लास्ट में ले जाना हमको। अब पांच और चार कितना होगा नौ, नौ लिख दिए। अब तीन और चार कितना होगा सात, सात लिख दिए। तीन तीन कितना होगा छः, छः लिख दिए। दो और तीन कितना होगा पांच, पांच लिख दें। अब दो बच्चा है, इसको यहाँ लिख देंगे, ये इसका आंसर। आइए अब ये वाला देखते हैं। एक लिखा है, एक को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे, फिर एक और दो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, तीन लिख दिए। अब तीन और दो जोड़ें कितना हो जाएगा पांच, पांच लिख दिए। अब पांच और तीन जोड़ेंगे आठ हो जाएगा, आठ लिख दिए। पांच 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 जोड़ेंगे दस हो जाएगा, दस कम जीरो लिखेंगे, हासिल छोड़ देंगे। और इधर ये पांच है और एक हासिल मिलाकर छः। आइए दोस्तों और देखते हैं इससे बड़ी संख्या। आइए दोस्त देखते हैं, नौ अंकों की संख्या को हम ग्यारह से गुणा करेंगे। आइए देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, हमको इसको ग्यारह से गुणा करना है। कुछ नहीं करना, बस वही वाली ट्रिक लागू है, इसको सबको जोड़ देंगे तो इसका गुणा हो जाएगा। कितना लिखा है नौ, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे नौ। अब इन दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा सत्रह, सत्रह के ऐसे सत्रह लिखा जाता है, तो इसको लिख लेंगे सात और एक हासिल छोड़ दिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे पंद्रह, पंद्रह एक सोलह। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तेरह और तेरह एक चौदह। अब इन दोनों को जोड़ देंगे ग्यारह, ग्यारह एक बारह। अब इन दोनों को जोड़ देंगे नौ, नौ एक दस, हासिल एक दस। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना, सात, सात एक आठ। अब इन दोनों को जोड़ देंगे पांच, पांच। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तीन और बचा कितना एक, इसको लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। गुणा करके चेक कर लीजिए। आइए और देखते हैं बड़ी बड़ी संख्या गुणा। दोस्तों आज अरबों खरबों में गुणा करना बताएंगे, एक ही सेकेंड में उसका गुणा कर लेंगे। क्या नहीं कर पाओगे? कर लोगे, ध्यान से देखो इस संख्या को। कितना टाइम लोगे आप? आधा सेकेंड, एक सेकेंड, तुरंत बता दूंगा। आज तो कोई टीचर पढ़ाया नहीं होगा, पढ़े हो, पढ़े हो, कमेंट करके बताओ अच्छा आंसर, जल्दी बताओ आंसर। अब देखिए वही नियम लागू जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, बस देखिए इधर थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इसको लिख लेना है सबसे पीछे। अब इसको सबको जोड़कर लिख लेना है। क्या करना है? जोड़कर लिखना है। देखिए छह तीन जोड़ें कितना हो जाएगा नौ, छह दो जोड़ें कितना हो जाएगा आठ, आठ दो जोड़ें कितना हो जाएगा दस, दस का जीरो हासिल एक, आठ दो जोड़ें कितना हो जाएगा दस, दस एक ग्यारह हासिल एक, तीन दो जोड़ें कितना हो जाएगा पांच हासिल एक छह, दो और तीन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पांच, सात और जो दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा नौ, इसको जोड़ेंगे सात और चार जोड़ेंगे ग्यारह, एक हासिल है एक, पांच और चार जोड़े कितना नौ, नौ एक दस, छह और पांच जोड़े कितना हो जाएगा ग्यारह, ग्यारह एक बारह, इसको जोड़ेंगे नौ और छह पंद्रह, पंद्रह एक सोलह, दस कितना बचा नौ, नौ एक दस। देखिए अरबों खरबों गुणा आधे सेकेंड में बेटा पा गए आंसर। कमेंट करके बताओ जल्दी वीडियो कैसे लगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।